अध्याय चार दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमप्ययं विवस्वान मनवे प्राह मुनिरिक्षवाकवयब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। स एवायं मयातयद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसीमि सखा चेति रहस्यं एतद् उत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामेश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावं मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर
मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर् भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किं कर्म किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणी च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः
कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना आपनोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यद्रच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावा परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियान्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन्य विषयानन्य इन्द्रियाग्नेषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुवति। अन्य लोग भी हैं
जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वे प्येत यज्ञ विदो यज्ञ क्षिप्पित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्याकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायं लोकोस्त्यय यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेया द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद्वित्थि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यत्क्यात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथै धांसि समिद्धोग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। शद्धवान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम्
अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम् न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तस्मात् अज्ञान संभूतम् वित्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो।